जब तीनों लोकों की लक्ष्मी अदृश्य हो गई तो इंद्र ने की इस स्तोत्र की रचना। आप भी इसे पढ़ें 5 बार। इंद्र ने महालक्ष्मी का अद्भुत श्री लक्ष्मी कृपा स्तोत्र लिखा है। जब मुनि दुर्वासा के श्राप से इंद्र श्रीहीन हो गए, तीनों लोकों की लक्ष्मी अदृश्य हो गई, राज न रहा, तो इंद्र ने लक्ष्मी जी की आराधना की। इंद्र ने एक स्तोत्र की रचना की जिससे उन्होंने फिर से सब कुछ प्राप्त कर लिया। धनतेरस से दिवाली तक जो कोई इसका 5 बार या इससे अधिक पाठ करता है, उस पर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है। वह धन और धान्य से युक्त होता है। प्रस्तुत है इंद्र द्वारा रचित महालक्ष्मी कृपा प्रार्थना स्तोत्र, जिसमें श्री महालक्ष्मी की अत्यंत सुंदर उपासना की गई है। एक बार देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर जा रहे थे। रास्ते में दुर्वासा मुनि मिले। मुनि ने अपने गले में पड़ी माला निकालकर इंद्र के ऊपर फेंक दी, जिसे इंद्र ने ऐरावत हाथी को पहना दिया। तीव्र गंध से प्रभावित होकर ऐरावत हाथी ने सूंड से माला उतारकर पृथ्वी पर फेंक दी। यह देखकर दुर्वासा मुनि ने इंद्र को श्राप देते हुए कहा, इंद्र, ऐश्वर्य के घमंड में तुमने मेरी द्यूही माला का आदर नहीं किया। यह माला नहीं, लक्ष्मी का धाम थी, इसलिए तुम्हारे अधिकार से स्थित तीनों लोगों की लक्ष्मी शीघ्र ही अदृश्य हो जाएगी। महर्षि दुर्वासा के श्राप से त्रिलोकी श्रीहीन हो गई और इंद्र की राज्य लक्ष्मी समुद्र में प्रविष्ट हो गई। देवताओं की प्रार्थना से जब वे प्रकट हुईं, तब उनका सभी देवता ऋषि मुनि ने अभिषेक किया। देवी महालक्ष्मी की कृपा से संपूर्ण विश्व समृद्धशाली और सुख शांति से संपन्न हो गया। आकर्षित होकर देवराज इंद्र ने उनकी इस प्रकार स्तुति की। महालक्ष्मी कृपा प्रार्थना स्तोत्र। नमस्तुस्ते महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। इंद्र बोले, श्रीपीठ पर स्थित और देवताओं से पूजित होने वाली हे महामाये, तुम्हें नमस्कार। हाथ में शंख चक्र और गदा धारण करने वाली हे महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। गरुड़ पर आरूढ़ हो कोलासुर को बह देने वाली और समस्त पापों को हरने वाली हे माँ भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। सर्वज्ञ सर्ववर देवी सर्व दुष्ट भयंकरी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सब कुछ जानने वाली, सबको वर देने वाली, समस्त दुष्टों को भय देने वाली और सबके दुखों को दूर करने वाली हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि भोग और मोक्ष देने वाली हे मंत्रपूर्ण महाभगवती महालक्ष्मी, तुम्हें सदा प्रणाम है। आद्यंतर रहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योग जे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। हे देवी, हे आदि अनंत हित आदिशक्ति, हे महेश्वरी, हे योग से प्रकट हुई भगवती महालक्ष्मी,
तुम्हें नमस्कार है। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। हे देवी, तुम स्थूल सूक्ष्म एवं महारौद्र रूपिणी हो, महाशक्ति हो, महोदरा हो और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली हो। हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मात्रम महालक्ष्मी नमोस्तुते। हे कमल के आसन पर विराजमान परब्रह्म स्वरूपिणी देवी, हे परमेश्वरी, हे जगदम्ब, हे महालक्ष्मी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। श्वेतांबर धरे देवी नानालंकार भूषिते जगस्तिथे जगन्मात्रा महालक्ष्मी नमोस्तुते। हे देवी, तुम श्वेत एवं लाल वस्त्र धारण करने वाली और नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषिता हो, संपूर्ण जगत में व्याप्त एक अखिल लोक को जन्म देने वाली हो। हे महालक्ष्मी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। स्तोत्र का पाठ। महालक्ष्यश्चकम् सोत्रम यह पठे द्वंतिमान रह सर्व सिद्धि वाप्नोरिति राजस्यम प्राप्तनोति सर्वदा। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र का सदा पाठ करता है, वह सारी सिद्धियों और राज वैभव को प्राप्त कर सकता है। एक काले पठे नित्यम महापाप विनाशनम द्विकालम यह पठे नित्यम धन्य धान्य समन्वितः। जो प्रतिदिन एक समय पाठ करता है उसके बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। जो दो समय पाठ करता है वह धन धान्य से संपन्न होता है। त्रिकालम यह पठे नित्यम महाशत्रु विनाशनम। महालक्ष्मी भिर्वे नित्यम प्रसन्न ना वर्धा शुभा। जो प्रतिदिन तीन काल पाठ करता है उसके महान शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसके ऊपर कल्याणकारिणी वरदायिनी महालक्ष्मी सदा ही प्रसन्न होती है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करें। वीडियो सब जगह शेयर करना कर देना ताकि सभी लोग लाभ लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।